हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 8, द सदर्न प्लैट्यूज। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, द सदर्न प्लैट्यूज ऑफ यूनिट 1, अबाउट आवर कंट्री। A plateau is a flat land that is higher than the land surrounding it. It is called a table land. तो सबसे पहला हमें दिमाग में आता है कि plateau क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है? सदर्न plateau। तो plateau क्या होता है? Plateau एक फ्लैट लैंड होता है जो कि बाकी सारे आसपास के लैंड से थोड़ा ऊंचा होता है, हायर होता है। मान लीजिए कि एक जगह है, ये एक प्लैट्यू है, इसके आसपास का जो लैंड है वो थोड़ा इससे नीचे होगा और ये जो प्लैट्यू होगा ये थोड़ा ऊंचा होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल लैंड। द सदर्न प्लैट्यूज लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी, द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। पिछले कुछ चैप्टर में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो ये जो सदर्न प्लैट्यूज है ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? साउथ डायरेक्शन में, जो कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी अब कहाँ है? ये इंडिया का सदर्न टिप है, यानी कि यहाँ तक। ये साउथ पार्ट है, इसका जो सदर्न का जो एकदम आखिरी टिप होता है इसे हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। तो ये जो सदर्न प्लैट्यू है ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज रंग का पार्ट है ये पूरा क्या है? सदर्न प्लैट्यू का पार्ट है, जो कि पूरा एक्सटेंडेड है कन्याकुमारी तक। समझ गए? होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन। अब ये लोकेटेड कहाँ है? द सदर्न प्लैट्यू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो सदर्न प्लैट्यू का जितना रीजन है वो थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर इन शेप है, यानी कि थोड़ा इस टाइप के शेप में है, और ये हमारे कंट्री का मेजर पार्ट को कवर करता है, बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडिया का ये आधा से ज्यादा हिस्सा सदर्न प्लैट्यू कवर करके रखा है। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वाई मोस्ट रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो स्लोप, स्लोप क्या होता है? इस तरह से स्लोप होता है, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो इसका जो स्लोप है सदर्न प्लैट्यू का ये वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है, जिसके वजह से जितने भी रिवर्स यहाँ पे बहते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में बहते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय हिली रीजंस कॉल्ड घाट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। तो ये जो सदर्न प्लैट्यू है इसके आसपास में कुछ हिली रीजंस प्रेजेंट है। वेस्ट साइड में भी कुछ हिली रीजन प्रेजेंट है और ईस्ट साइड में भी कुछ हिली रीजन प्रेजेंट है। तो ये जो हिली रीजन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? घाट्स कहते हैं। अब जो वेस्ट साइड में जो घाट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहेंगे, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। और ईस्ट साइड में जो घाट्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ईस्टर्न घाट्स कहेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये एक हिली रीजन है जो कि सदर्न प्लैट्यू को घेर के रखे हुए हैं, बॉर्डर करके रखे हुए हैं। सो दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाई सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ। The Aravali Hills are to its northwest and the Rajmahal Hills to its northeast. तो ये जो सदर्न प्लेट्यू है ये नॉर्थ साइड से भी बॉर्डर किया हुआ है, बहुत सारे हिल्स से ये भी कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो अरावली हिल्स है ये सदर्न प्लेट्यू को नॉर्थ वेस्ट से कवर करता है, और जो राजमहल हिल्स है ये सदर्न प्लेट्यू को नॉर्थ ईस्ट से कवर करता है। तो आप समझ गए कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो ईस्ट में प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट्स जो है ये वेस्ट में प्रेजेंट है, अरावली हिल्स जो है ये नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट है, और राजमहल हिल्स कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। तो पूरे से हम लोग होल में कह सकते हैं कि ये जो प्लैट्यू रीजन है ये बहुत ही रॉकी और अनइवन है। रॉकी मतलब बहुत ही पथरीला, और अनइवन मतलब कि एक जैसा नहीं रहता है, उसका लैंड उबड़ खाबड़ होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। द सदर्न प्लैट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर। द टू पार्ट्स आर, तो जो सदर्न प्लैट्यू है ये नर्मदा रिवर के वजह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स में? पहला पार्ट है नॉर्थ साइड में जिसे हम लोग सेंट्रल हाइलैंड्स कहते हैं, और दूसरा है साउथ साइड में जिसे हम लोग डेक्कन प्लैट्यू कहते हैं। तो ये है दो पार्ट सदर्न प्लैट्यू का जो कि नर्मदा रिवर के वजह से डिवाइडेड है।
द सेंट्रल हाइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो नॉर्थ में सेंट्रल हाइलैंड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको मालवा प्लेट्यू मिल जाएगा और छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल जाएगा। अब ये मालवा प्लेट्यू क्या है? द मालवा प्लेट्यू इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाइलैंड्स। इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ। तो जो मालवा प्लेट्यू है, ये सेंट्रल हाइलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। ये जो मालवा प्लेट्यू है, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल से बाउंडेड है, यानी कि इसके आसपास आपको अरावली हिल्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब अरावली हिल्स है। और विंध्या रेंज जो कि साउथ में प्रेजेंट है, वो भी इस मालवा प्लेट्यू को बाउंड करके रखा है, वहां पे घेर के रखा हुआ है। दिस रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड्स। तो मालवा प्लेट्यू में आपको ज्यादातर ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, जो कि कॉटन और ऑयल सीड्स को उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत सारे नदियां भी बहती है, जैसे कि चंबल नदी, बेटवा नदी, सन नदी। तो ये जो नदी है तीन, चंबल, बेटवा और सोन नदी, ये सब वहां पे बहती है फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स, यानी कि नॉर्थ साइड में ये बहती जाती है और फिर आगे जाके यमुना और गंगा में मिल जाती है। तो ये था मालवा प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो सेंट्रल हाइलैंड्स का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। मालवा प्लेट्यू क्या था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट था। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट है सेंट्रल हाइलैंड्स का। ये जो प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको ज्यादातर मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि कोल, आयरन, मिका, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड बहुत सारे जितने भी आपको मिनरल्स आपके दिमाग में आ रहे, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा घने जंगल भी मिलेंगे, जो कि हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि वुड, गम, लैक एक्सेट्रा। तो ये जो प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये दोनों ही सेंट्रल हाइलैंड्स में प्रेजेंट है, जो कि सदर्न प्लेट्यू का नॉर्थ पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे और फिर मालवा प्लेट्यू में आपको सॉयल मिल जाएगा। तो ये था सेंट्रल हाइलैंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये नर्मदा रिवर के साउथ साइड में पाया जाता है, यानी कि जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ साइड में क्या था, सेंट्रल हाइलैंड्स, और साउथ साइड में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो नर्मदा रिवर के वजह से जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये साउथ साइड में प्रेजेंट है। ये प्लेट्यू रीजन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये भी अपने आसपास के कुछ हिली एरिया से घिरा होता है, जैसे कि इसके पास वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इस प्लेट्यू को आसपास से घेर के रखते हैं। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल बहुत ही अच्छे मात्रा में मिल जाएगी, जो कि कॉटन उगाने में बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेस्ट सॉइल है। वेस्टर्न घाट्स जो है, ये कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिल्स है, यानी कि आपको हिल्स दिख ही जाएंगे, हर जगह आपको हिल्स दिखेंगे। ये एक रेंज बना हुआ है, कंटिन्यूअस रेंज, ये खत्म ही नहीं हुआ है वेस्ट साइड में। यहाँ पे आपको सह्याद्री हिल्स मिल जाएंगे, नीलगिरी हिल्स मिल जाएंगे, अनाई मलाई हिल्स मिल जाएंगे और कार्डमम हिल्स भी मिल जाएंगे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये निर्गिली हिल्स का पिक्चर है, यानी कि आपको हर जगह हिल्स ही दिखेगा। ये पिक्चर में आप नीलगिरी हिल्स को देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है, ये उतने भी ऊंचे नहीं होते, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे हिल्स प्रेजेंट है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिल्स प्रेजेंट है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में आपको उतने ही हाई हाई हिल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्रोकन और छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे ये जो हिल्स होते हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे होंगे, उतने बड़े नहीं होंगे। तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है, ये भी डेक्कन प्लेट्यू को आसपास से घेर के रखता है। अब जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है, ये दोनों मिलते कहाँ पे है, खत्म कहाँ होता है? ये मिलते हैं कन्याकुमारी में, जो कि साउथ में प्रेजेंट है। उम्मीद है आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अभी तक समझ आ गया होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स होते हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और एक रेंज होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल्स मिल जाएंगे, जैसे कि सह्याद्री, नीलगिरी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स। और ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं, ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे और टूटे टूटे हिल्स होते हैं। तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑफ द प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज में कौन कौन से रिवर और कैसे बहते हैं और कहां जाके मिलते हैं।
द कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर, ये सब जो रिवर है ये वेस्ट से ईस्ट में बहती हैं और आखिर में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ये सब जो रिवर से ये ईस्ट की तरफ इसीलिए बहती है क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी कि उसका जो स्लोप है वो ऐसे जाता है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में वो इस तरह से फैला हुआ है, इसीलिए जितने भी रिवर से वो ईस्ट की तरफ बहते हैं। इन सब रिवर में से, यानी कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी रिवर में से जो गोदावरी नदी है ये डेक्कन प्लेट्यू का सबसे बड़ा रिवर है और इसे बहुत ही बड़ा सैक्रेड रिवर भी माना जाता है। सैक्रेड रिवर उसे कहते हैं, उन रिवर्स को कहते हैं जहाँ पे पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है। तो गोदावरी रिवर को बहुत ज्यादा पूजा भी जाता है और ये डेक्कन प्लेट्यू का सबसे बड़ा रिवर भी है। रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलते, ये सब बहते हैं और अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं। रिवर्स ऑफ द प्लेट्यूज आर नॉट एज बिग एज द हिमालयन रिवर्स एज दे आर फेड बाय रेन वाटर। तो जो प्लेट्यूज के रिवर्स होते हैं वो हिमालयन रिवर्स के जितने बड़े नहीं होते। हिमालयन रिवर्स कितने बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, सब बहुत बड़े बड़े नदी हैं, लेकिन प्लेट्यूज के जो नदी होते हैं ये उतने बड़े नहीं होते क्योंकि ये रेन वाटर की वजह से बनते हैं, इसीलिए वो अपने वाटर के सप्लाई के लिए टोटली मॉनसून सीजन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि बारिश जब होगी तब उनकी नदी में पानी आएगा। Thus, they might be flooded by heavy rainfall or might dry up due to lack of rainfall during the summers. तो ये जो प्लेट्यूज के रिवर्स ये टोटली डिपेंड करते हैं बारिश पे, इसीलिए अगर ज्यादा बारिश होगी तो इन रिवर्स में फ्लड आ जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, और अगर बारिश नहीं होगी समर सीजन में तब ये जो नदियां हैं ये सूख जाएंगी क्योंकि ये टोटली रेन वाटर पे डिपेंडेड है। एज अ रिजल्ट डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन सम ऑफ दिस रिवर्स टू स्टोर द एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग द मॉनसून। कभी कभी क्या होता है कि मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और फ्लड आ जाती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए बहुत सारे प्लेट्यू वाले रिवर्स पे डैम्स बनाए गए हैं ताकि अगर ज्यादा बारिश हो तो जो ज्यादा पानी है वो जाके स्टोर हो जाए और कहीं भी फ्लड ना आए। द मेटर डैम ऑन द कावेरी रिवर इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। तो कावेरी रिवर जो कि एक प्लेट्यू का ही रिवर है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मेटर डैम। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कावेरी रिवर में कौन सा डैम है, तो क्या है, मेटर डैम। ये डैम को इसलिए बनाया गया था ताकि जो ज्यादा पानी उसे स्टोर किया जा सके और ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इरिगेशन मतलब जब खेतों में हम लोग पानी डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तब उसे इरिगेशन कहा जाता है। तो इस डैम के पानी के वजह से वहां पे बहुत सारे खेतों को पानी भी मिलता था, इसीलिए ये साउथ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। एक क्वेश्चन जो आपके टेस्ट या एग्जाम में जरूर पूछेगा कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या था, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द मेटर डैम ऑन द कावेरी रिवर इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। और भी फेमस डैम्स है जैसे कि हीराकुड डैम जो कि रिवर महानदी पे बनाया गया है और नागार्जुना सागर डैम जो कि रिवर कृष्णा पे बनाया गया है। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये मेटर डैम का पिक्चर है जो कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट था, और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये जॉग फॉल्स का पिक्चर है। तो ये यहाँ पे कैसे आया, As the rivers flow swiftly into the sea, some of them form beautiful waterfalls on the way. तो जैसे जैसे रिवर्स जो है ये सी की तरफ बहती हैं, तो बहुत सारी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉग फॉल्स जो कि रिवर शारावती में बना हुआ है और कर्नाटका में प्रेजेंट है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसी का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ। प्लेट्यूज को स्टोर हाउस ऑफ सेवरल मिनरल्स भी कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, मिका मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा। तो ये सब जो यहाँ पे मिलते हैं उसके वजह से क्या हुआ कि प्लेट्यू रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटल हो गए, डेवलप हो गए। एक फेमस इंडस्ट्री है जिसे कोलर गोल्ड माइंस कहा जाता है, वो भी कर्नाटका स्टेट में प्रेजेंट, और ये बहुत ही फेमस है। इट्स फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विथ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक, यानी कि जो प्लेट्यू में जो घने घने जंगल होते हैं वहां पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, जैसे कि टीक, शीशम, रोज वुड, सैंडल वुड, विच आर नॉट फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। तो जो प्लेट्यू रीजन में आपको मिलता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, टीक, शीशम, रोज वुड, सैंडल वुड, ये सब आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि उसी रीजन में मिलता है।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग क्रॉप्स के बारे में। प्लेट्यूज में बहुत सारे क्रॉप्स भी उगते हैं, जैसे कि कॉटन, ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स। ये सब यहाँ पे इसीलिए अच्छे से उग पाते हैं क्योंकि इस एरिया में आपको ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है। कुछ और भी चीजें उगाई जाती है जैसे कि टी, कॉफी, रबर और कुछ स्पाइसेस भी उगते हैं जैसे कि कार्डमम, क्लोव्स, पेपर, सिनेमन। ये सब भी सदर्न प्लेट्यूज में बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। टी, कॉफी, ये सब क्या है? बेवरेजेस है। और स्पाइसेस यानी कि मसाले, कार्डमम, क्लोव्स, पेपर, ये सब आपको सदर्न प्लेट्यू रीजन में मिल जाएंगे। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन द सदर्न प्लेट्यूज का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।